Assalamualaikum, dear learners, potential entrepreneurs and entrepreneurs in action. Welcome in the course of Entrepreneurship. We are Virtual University of Pakistan. This is the agenda of this video. Yani, sabse all, we will talk about this course, which is Entrepreneurship. Then we will talk about who should watch this course. We will talk about can you learn Entrepreneurship? और उसके अलावा हम बात करेंगे द पैरागॉजी ऑफ दिस कोर्स यानी हम आपको ये कोर्स किस तरह से पढ़ाएंगे और आपकी लर्निंग को किस तरह से असेस करेंगे एंड एट द एंड हम बात करेंगे कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स सबसे पहले बात शुरू करते हैं ऑन्टरप्रन्योरशिप के ऑन्टरप्रनोरशिप इज अ बर्ज वर्ड इन दीज डेज एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ऑन्टरप्रनोरशिप एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी एन ऑनटरप्रनोर You might have noticed that governments around the globe, including government of Pakistan and educational institutions like universities, colleges, up to ke schools, they are opening up their own incubation centers or yes, center for entrepreneurship and development. Likewise, financial institutions like banks, microfinance institutions, and many NGOs, they are also promoting and supporting individuals to be, choose the career of entrepreneurship, irrespective of age and gender. At the moment, if you're not familiar with the term entrepreneurship, to begin with, it is all about doing your own business. An entrepreneur is a person who sets up a business. Now the entities that we have they are supporting and encouraging entrepreneurship. जब आप अपना ग्रेजुएशन के बाद या ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन अपना करियर स्टार्ट करेंगे तो यू माइट बी हैविंग टू चॉइसेस नंबर वन यू माइट बी सीकिंग अ ड्रॉप इन अ फर्म और नंबर टू यू माइट बी क्रिएटिंग योर ओन फर्म नाउ लेट अस सपोज कि तमाम ग्रेजुएट्स जॉब सीकरस बन जाते हैं और आप में से कोई भी अपनी फर्म क्रिएट नहीं करता नाउ द क्वेश्चन इज आप जॉब्स कहाँ तलाश करेंगे या आपकी जॉब मार्केट कौन डिवेलप करेगा ऑन्टरप्रीनोरशिप इज नॉट ऑल अबाउट डूइंग योर ओन बिजनेस ऑन्टरप्रन्यरशिप इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ क्रिएटिंग जॉब फॉर द जॉब मार्केट एज वेल इसीलिए गवर्नमेंट हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो ये सब ऑन्टरप्रन्योरशिप को प्रमोट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं ताकि लेबर फोर्स के लिए एक जॉब मार्केट क्रिएट की जा सके Now let me share my experience with you. Whenever I say that I study entrepreneurship or I teach entrepreneurship, I'm not interesting questions. For example, what is entrepreneurship? Is there a new discipline? Is there a new process? Or is there an attitude or a behavior? The answer is: entrepreneurship is an emerging discipline. It is a process of creating your own venture. इट इज़ एन एटिट्यूड इट इज़ अवियर इन तमाम सवालों के अलावा जो और सवाल किए जाते हैं उनमें एक सवाल ये भी है कि हु इज एन ऑनटरपेन्योर और सबसे इंटरेस्टिंग कि क्या ऑनटरप्रोर्स वाकई बहुत स्मार्ट सुपर इंटेलिजेंट सुपर जीनियस इनोवेटिव और रिस्क लवर्स होते हैं जब आप इंटरनेट पर जाते हैं और जाके ऑन्टपन्योर्स लिखते हैं तो आपके सामने कुछ Both successful entrepreneurs can For example, Bill Gates from Microsoft, Steve Job from Apple, Richard from version, and Jack Ma from AliExpress. The answer is, yes, entrepreneurs are usually very smart and genius people. Now, the question is, ke who should watch this course? or who should study this course? द लर्निंग इज नॉट एज रिस्ट्रिक्टेड लेकिन ये कोर्स स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं हम उन यंग इंडिविजुअल्स को जिन्होंने अपने करियर का अभी आगाज करना है यानी वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उन्हें जॉब सीकर बनना है या उन्हें जॉब क्रिएटर बनना है बट द कॉन्टेंट ऑफ दिस कोर्स इज इक्वली हेल्पफुल फॉर इन एक्शन ऑनटरप्रन्योर्स एज वेल नो द क्वेश्चन इज कैन यू लर्न ऑंटरप्रिन्योरशिप क्योंकि जब भी आप किसी को ये बताएंगे कि आप ऑन्टप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं तो आपसे एक सवाल किया जाएगा और वो ये सवाल होता है कि क्या कभी कारोबार भी पढ़ के करना आता है न दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन हैज़ इट्स ओन फिलासफी इन हम भी एग्री करते हैं कि ऑन्टरप्रेन्योरशिप बहुत प्रैक्टिकल नेचर का बहुत एक्सपीरियंशल नेचर का सब्जेक्ट है और जब तक आप खुद अपना वेंचर स्टैब्लिश नहीं करेंगे आप ऑनटरप्रनोरशिप को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितने ही अच्छे आर्टिस्ट कितने ही अच्छे गिटारिस्ट कितने ही अच्छे पोएट और कितनी ही अच्छी बिजनेस सेंस क्यों ना रखते हो यू स्टिल नीड अ मैंटॉर ताकि वो आपको डिसीजन मेकिंग में रिस्क टेकिंग के अंदर इंडस्ट्री इंसाइट्स और प्लस बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सके याद रखिए कि कोई भी बिजनेस स्टार्टअप या बिजनेस वेंचर कभी भी एक कोइंसिडेंस नहीं होता या मेयर लक नहीं होती स्टार्टअप की जो सक्सेस है इट इज यूजली एंजीनियर्ड बाय द राइट प्रोसेस विद द राइट डिसीजंस और प्रोसेस कैन बी लर्न एंड डिसीजन्स कैन बी मेड इन अ बेटर वे और जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस कैन बी टॉट नाउ हम ये कोर्स आपको डिलीवर किस तरह से करेंगे लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट आई एम नॉर इन जारा एंड आई एल बी ज्वाइन बाय रिजवान सलीम वी विल बी को होस्टेंग दिस कोर्स फॉर यू उसके अलावा फ्रॉर द प्रैक्टिकल इंसाइट्स हम इन्वाइट करेंगे एक्डेमिशंस को इंडस्ट्रियलिस्ट को यंग टेक फैमिली एंड वुमन ऑन्टपन्योर्स को और उनसे भी बहुत से सवाल पूछेंगे ताकि बिजनेस की प्रैक्टिकल इंसाइट्स को भी हम इस कोर्स का हिस्सा बना सकें सो वी हैव अ वेरी बिग टीम फॉर यू वी हैव डिजाइन द कॉन्टेंट ऑफ दिस कोर्स फॉर यू इन अ वे कि अगर आप न्यू लर्नर हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और अगर आप इन एक्शन ऑन्टरप्रनोर्स हैं तो भी इसका कॉन्टेंट आपके लिए हेल्पफुल हो न्यू लर्नर्स जान पाएंगे कि वॉट इज ऑनटरप्रीनियोरशिप ऑनटरप्रीनियोरशिप की थेरीज क्या हैं एज अ डिसिप्लिन ये किस तरह से इमर्ज हुआ और प्लस इससे रिलेटेड जितनी भी इशूज चैलेंजेस या जितनी भी डायमेंशन हैं उसके बारे में और इन एक्शन ऑनटरप्रन्य जान पाएंगे कि चाहे मैनेजमेंट हो मार्केटिंग हो फाइनेंशियल मैटर्स हों बिजनेस प्लान की डेवलपमेंट हो या ग्रोथ रिलेटेड इशूज हों उनको किस तरह से टेक्निकली हैंडल किया जा सकता है इन अदर वर्ड यह कोर्स आपकी स्किल डेवलपमेंट भी करेगा इफ यू हैव रजिस्टर्ड दिस कोर्स फॉर अ डिग्री प्रोग्राम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वी आर गोइंग टू असेस योर लर्निंग थ्रू ग्रेडिड असाइनमेंट्स ग्रेडिड क्वेजेस ग्रेडिड डिस्कशंस मिड टर्म एंड फाइनल टर्म बट इफ यू आर वॉचिंग दिस कोर्स ऑन ओपन वेयर जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पजेज यू नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स इस कोर्स की कंटेंट डेवलपमेंट के लिए हमने चार बुक्स कंसल्ट की हैं और वो चारों बुक्स हम आपको रिकमेंड भी कर रहे हैं जिनमें पहली किताब तो आपके लिए स्ट्रोंगली रिकमेंडेड है पहली किताब का नाम है ऑनटरप्रीरशिप रिटन बाय ब्रेंजर एंड आयरलैंड दूसरी किताब है ऑनटरप्रोरशिप बाय हिसरिच एंड शेफर्ड तीसरी किताब है एसेंशियल ऑफ ऑन्टरप्रीनोरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट बाय जिमरर एंड स्कॉर्ब्रो और चौथी किताब का नाम है स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट बाय लॉन्गनिका मॉरी पैटी एंड पेरिश बुक्स जरूर परचेज कीजिए बुक्स में की हुई इन्वेस्टमेंट कभी नहीं डूबती नो एट द एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस कोर्स यानी इस कोर्स को देखने के बाद हम आपसे और आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर तो आप न्यू लर्नर है तो ऑब्वियसली यू विल बी ईजिली कॉम्प्रीहेंडिंग द ऑनटरप्रनीरशिप एंड इट्स रिलेटेड थेरीज एंड इशूज एंड चैलेंज और अगर आप इन एक्शन ऑनटरप्र्योर हैं तो आप अपने साथ ही ऑन्टरप्रन के मुकाबले में मैनेजमेंट हो मार्केटिंग हो फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स हो या फिर आपकी ग्रोथ चैलेंज के इश्यूज हो आप ज्यादा बेहतर तरीके से वो फैसला कर पाएंगे सो लेट इस्टार्ट आर जर्नी फॉर यू नो ऑनटरप्र्योरशिप एंड लेट एस सी वट वी हैव इन आर बैग फॉर यू